अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर इंग्लिश और इसके अंदर हमने नॉवेल का टॉपिक इस वक्त हमने शुरू कर दिया है पिछले हफ्ते से। और प्रिजनर ऑफ जेंडा का जो हीरो है उसका नाम है रुडॉल्फ प्रिजेंडर। तो रोडॉल्फ प्रिजेंटल जो कि हीरो है प्रिजनर ऑफ जेंडा का, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसका कैरेक्टर स्केच, एक सवाल आता है कि ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर रोडॉल्फ प्रिजेंटल, तो वही बेसिकली आज कल हम पढ़ रहे हैं। ओके राहिल, मैंने तुमसे रात में मैसेज करने का कहा था, तुमने शायद जल्दी मैसेज कर दिया था, उसके बाद रात में कोई मैसेज नहीं आया था तुम्हारा। और जरा हेडिंग्स, मैंने आपसे कल कहा था कि स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अच्छा जी, पर्सनैलिटी की बात हो गई थी, ट्रू हीरो, आई थिंक इसकी बात नहीं हुई थी इस हेडिंग की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथ साथ, एक सच्चा हीरो, ये हमारी हेडिंग है। और खुशी की बात यह है कि आज 1 सितंबर, ठीक है ना, इसके बाद जो हमारी क्लास होगी हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि इसके बाद, आज के बाद मेरी 8 सितंबर को क्लास होगी और उसके बाद जो मेरी क्लास होगी वो इंशाल्लाह अज़ीज़ कोचिंग में होगी। हो सकता है जो अगले ही हफ्ते कोचिंग खुल जाए, नहीं तो बहरहाल खबरों में आ गया है कि सिंध हुकूमत ने बाज़ाबता तौर पर ऐलान कर दिया है कि 15 सितंबर से लाजमी तौर पर स्कूल्स एंड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो खोल दिए जाएं। सही जी, बारह रुडॉल्फ प्रिजेंटल के बारे में आपको बताया था कल के, ये बंदा बहुत ही अमीर ख़ानदान से और इंग्लैंड से उसका ताल्लुक है, बेहतर इंग्लैंड के एक बेहतर ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, और वाइट मैन विद अ गुड पर्सनैलिटी, रेड हेयर्स, ठीक है ना, इस वक्त हम जो शुरू करें वो हेडिंग से स्टार्ट करें, आर ट्रू हीरो से। रुडॉल्फ प्रिजेंटल इज रिप्रेजेंटल द प्रोटैगोनिस्ट इज अ ट्रू हीरो बिकॉज he does not only defend his own interest but also that of a noble cause. dekhiye ji, isko ek sachcha hero kyun kaha ja sakta hai, uski wajah unhone batayi ki ek taraf is shakhs ne apne aap ko bachaya, kyunki lazmi hai banda apne aap ko to har halat pe apne aap ko to banda har halat mein bachata hi hai na pehle to, iske sath sath isne kya kiya कि इसने फाइट की फॉर अ नोबल कॉज, ठीक है जी, इसने फाइट किया कि फॉर अ नोबल कॉज। व्हेन ही इज मिस्टेकन टू बी द किंग ही टेम्पररी अज्यूम्स दिस आइडेंटिटी नॉट फॉर पर्सनल गेन बट टू प्रिवेंट treacherous villain from otherwise taking the king's rightful place.
इसमें बताया गया कि जब इसको बादशाह बनने का मौका मिला तो इसने, जब इसको बादशाह बनने का मौका मिला तो इसने ऐसा नहीं किया कि ये सोच लेता कि ये हमेशा हमेशा के लिए सीट मेरे हत्थे लग गई है, या मैं ही हमेशा इस सीट पर रहने वाला। इसने ऐसा नहीं किया। बल्कि इसने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा और ये इसको पता था अच्छी तरह कि ये आरजी वक्त के लिए ये इस सीट पर आया, और इसने जब अपने आप को बादशाह बनाया या बादशाह के तौर पर इसने रोल प्ले किया, उसका मकसद सिर्फ यही था कि रूटेनिया की जो सल्तनत थी उसे ये दगाबाजों से, गद्दारों से बचाना चाहता था। इसका और कोई मकसद हरगिज नहीं था। दिस इज समथिंग पॉजिटिव अबाउट हिम। और इसका मकसद ये भी इसमें बताया गया कि असली किंग को राइटफुल प्लेस पर लेकर आना चाहता था, उसको उन्होंने अगवा कर लिया था तो उसको सही जगह पर लेकर आना चाहता था। ही फुलफिल्स दिस रोल एट टाइम्स इवन बेटर देन द रियल किंग हिमसेल्फ। और जब वो इस सीट पर आता है, इस बादशाह की सीट पर आता है, तो इसने जो रोल प्ले किया, ठीक है जी, इसने जो रोल प्ले किया वो रोल बेसिकली असली बादशाह से भी ज्यादा बेहतर इसने प्ले किया। ये यहाँ पर लिखो, इवन इन हिज मैरिज टू द क्वीन, फॉर वंस द काउंटरफीट इज बेटर देन द रियल थिंग। मतलब इसने अपनी शादी में, जब इसकी शादी हो रही थी, तो हर जगह पर इसने ऐसा रोल प्ले किया कि असली बादशाह से बेहतर बंदा बनकर ये सामने आता। और इसका ख्याल भी किया जाता है। जब ये बादशाह बनता है और सारे काम करता है तो सब जितने ही बंदे होते हैं सब फील करते हैं, इन द एंड रिजल्टेड रिलिंक्विशेस द प्रिविलेजेस ही हैज मोमेंटरली इंजॉयड एंड रिज्यूम्स हिज ओरिजिनल आइडेंटिटी। और फिर आखिरी में क्या होता है कि ये दो जो तमाम प्रिविलेजेस को मिले हुए होते हैं और एक आम आदमी के तौर पर फिर ये सामने आता है, नॉट विदाउट रिमोर्स फॉर हिम ओनर इज ट्रूली बेटर बिटर स्वीट। और ये सारे काम करता है और इसमें इसकी कोई लालच नहीं होती और सिर्फ इज्जत ही इसके लिए सबसे बढ़कर होती है, इसके लिए सारे काम करता है। नेक्स्ट हेडिंग है, देखें स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिए थे या नहीं ये भी बताइएगा, और अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है इससे पिछली हेडिंग्स का ये भी बताइएगा, और अगर नहीं लिया तो आप मुझे कंफर्म करें ताकि मैं आपको मौका देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। कंफर्म करें चैट में इफ यू हैव टेकन एनी स्क्रीनशॉट। उम्मे फारिया, राहिल, आयशा, एनक्सा, नहीं लिए, राहिल ने ले लिया, आपने नहीं लिया, चलें कोई बात। दे जी स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब ले रहे हैं स्क्रीनशॉट।
कुछ दिनों की बात है, असली नोट्स आपके हाथ में होंगे। हाँ ओके टेक वन मोर स्क्रीनशॉट। डिस्टिंक्टिव मार्क, डिस्टिंक्टिव मार्क किसे कहते हैं? कि वो तमाम चीज़ें जो आपको किसी और शख्स से अलग करती हैं। ठीक है जी, एक जगह बहुत सारे काले आदमी खड़े हैं, उसमें एक राहिल नाम बंदा अगर एक गोरा सा खड़ा हुआ है तो उसका डिस्टिंक्टिव मार्क ये होगा कि बाकी सब काले हैं और एक गोरा। ठीक है जी, एक जगह बाकी सब चश्मा लगा के खड़े हैं, या अगर बगैर चश्मा लगा के खड़ा हुआ तो ये एक डिस्टिंक्टिव मार्क हो जाए। तो डिस्टिंक्टिव मार्क किसे कहते हैं? वो चीज़ जो आपको बाकी तमाम लोगों से क्या कर देती है, अलग कर देती है। होरिजेंटल के बारे में क्या लिखते हैं? होरिजेंटल इज फिजिकली हैंडसम। हॉरिजॉन्टल क्या था? फिजिकली हैंडसम था। ठीक है, टॉल एंड वेल बिल्ड, लंबा था और वेल बिल्ड भी था, यानी कि बॉडी बिल्डर कह लें, इस टाइप का दिखने वाला था। इसमें जो बताया गया उस हिसाब से देखें तो अगर अर्तुगरुल ड्रामे के अंदर वो था ना, उसका जो सिपा सालार बनता है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, पता ही क्या नाम था, तो वो ड्रामा में था उसके साथ, बड़ा मशहूर बंदा हुआ वो, तुर्गुत। हाँ तुर्गुत था वो, सही कहा आप लोगों ने। इसका मतलब है आप लोगों ने देखा है, मैंने 2 सीजन देखे और दोनों सीजन मैंने रमजान में खत्म कर दिए थे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, रमजान में ये वाले सीजन खत्म किए थे मैंने, 2 सीजन पूरे पूरे देखे थे मैंने रमजान, लेकिन है अच्छा वैसे। ठीक वाह भाई वाह। अच्छा, मैंने आप लोगों को काम ये दिया था कि आप लोगों ने ये स्क्रीनशॉट जो आप ले रहे हैं इसको लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। एक सिर्फ बेचारा राहगीर काम करता है, बाकी तो मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा। ज़्यादा दिन की बात नहीं, जब आमने सामने होंगे ना फिर आपकी सही से खबर ले सकूंगा मैं इंशाल्लाह। अभी तो मैंने आपके चेहरे तक नहीं देखे। अच्छा जी, तो मैं बता था डिस्टिंक्टिव जो क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना। ही हैज रेड हेयर, उसके लाल बाल थे। ही हैड अ थिक रेड बियर्ड, उसकी एक बड़ी थिक बियर्ड जो होती है जैसे कि तुर्गुत की थी वैसे उसकी बियर्ड भी थी। इट इज हेल्ड इन हिज हेल्ड इन हैज फैमिली डेट सम जनरेशंस अर्लियर द किंग ऑफ ब्रिटेनिया एंड illicit relations with the grandma of Burleson. Since then, someone in their family resembles the king, and now the in the center. इसे बताते हैं कि वो रोडेनिया का जो पूरा बादशाह, पिछले बादशाह का जो बादशाह का बाप था उसका, और वो उसके इंग्लैंड के अंदर जो है उनकी दादी परदादी का कोई आपस में रिश्ता था, उसके जरिए वो कुछ मलातें हुई थी। उसकी वजह से ये बादशाह जो रोडेनिया का बादशाह था और जो रुडोल्फ रिजेंडल जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, दोनों की शक्लें आपस में मिलती थी। ठीक है जी, ये इसके अंदर बताया गया। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है? तो सिंस समवन इन देयर फैमिली रिजेंबल्स द किंग एंड नाउ रिजेंडल ओवरऑल ही इज इम्पल्सिव फिजिकली एंड मेंटली और इट डोमिनेट्स ऑल ओवर द प्लॉट। अब ये जो मिल रहा था रुडोल्फ एल्सबर्ग, रुडोल्फ एल्फबर्ग जो नाम था वो असली बादशाह का नाम था, रुडोल्फ ब्रिजेंडल जो नाम था ये उस बंदे का नाम था जो कि बादशाह की शक्ल में मिलता जुलता था। ठीक है जी, तो दो अलग अलग बंदे थे, एक रुडोल्फ ब्रिजेंडल था और एक रुडोल्फ एल्फबर्ग था। ठीक है जी,
latent qualities. He is an extraordinary emblem of a variety of qualities unknown to his family fine friends. His family treats him as a careless, lazy, and irresponsible young, while he proves kingly qualities, a highly responsible, a skillful swordsman and a horseman. In the novel, he proves his skills to the surprise of his allies and professional soldiers. अच्छा होता क्या है, वो आपने बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना? घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसकी मुर्गी के भी, घर की मुर्गी की दाल बराबर, कोई इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। घर वाले इसको क्या समझते थे? इसको कहते हैं कि अ लो वैल्यू पर्सन। तो ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्ब्लेम ऑफ वैरायटी। इसमें देखिए क्या बोला है, हिज फैमिली ट्रीट्स हिम एज अ केयरलेस। उसकी फैमिली क्या ट्रीट करती थी कि भाई वो तो केयरलेस है, यानी कि किसी काम में का नहीं, लेजी है, ढीला है, मतलब किसी काम को वो लोग नहीं करता, इरेस्पॉन्सिबल है, कोई भी चीज़ कहीं पे भी रख के छोड़ देगा, काम करने में ध्यान नहीं दे रहा था। और वाकई में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जब उसको कोई काम दिया जाए, वो ये कहता था कि भाई मैं क्यों करूँ ये काम, और मुझे ज़रूरत क्या है ये काम करने की, जब मेरे बड़े इतना कर रहे हैं तो मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना माल दिया हुआ है अल्लाह ताला का, मतलब इतना माल हमारी फैमिली ने कमाया हुआ है, क्या मज़ीद कमाने की ज़रूरत क्या है, जब मज़ीद कमाने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं। ठीक है जी, ओके। रोमांटिक एस्पेक्ट, रोमांटिक एस्पेक्ट क्या है जी? आवर हीरो इज डीपली रोमांटिक। बिसाइड्स हैविंग अ चिवाल्रिक एरिड एग्जेम्पलरी करेजियस टेम्परामेंट, ही बाइज रोजेस फॉर फैला डिस्पाइट द fact that he did not fall in love with the princess after coronation. He tasked red rose of Rutenia from his nook and put it on hers. Moreover, he can't. इसमें बताया गया कि भाई वो थोड़ा सा रोमांटिक एस्पेक्ट भी रखता था, प्यार मोहब्बत वाला था, और ख्वातीन के लिए फूल वगैरह लेकर जाना, ठीक है ना, करते हैं ना लोग ये फूल वगैरह का इस्तेमाल, तो वो भी ये करता था। I'll hide his loving heart in between two responsible shoulders of reasonability. He declares his love on bended knees. मतलब इसके पास दो रास्ते थे, एक तरफ इसको प्रिंसेस फ्लेविया जो थी उनसे मोहब्बत हो गई थी, तो ये सोचता था नहीं यार मैं क्या करूँ, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी को समझा, और उसने मोहब्बत को साइड लाइन कर दिया, नहीं जिम्मेदारी पहले, मोहब्बत बाद में, मोहब्बत फिर हो जाएगी, आज नहीं 6 महीने बाद दोबारा से हो सकती है मोहब्बत, लेकिन जिम्मेदारी अगर मैंने आज नहीं ली भाई तो उसका मुझे खमियाजा जिंदगी भर पल भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी, द सर्कमस्टांसेस अर्ज हिम टू एक्सप्रेस लव टू प्रिंसेस फ्लेविया बट नॉट टू फील इट, बीइंग डीपली कॉन्शियस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन ही डिक्लेयर्स, आई हैड टू कीप द प्रिंसेस डिवोटेड टू मी and yet indifferent to me. I had to show affection for her and not feel it. उसने कहा कि being बादशाह जो है मुझे feel करवानी होगी वो मोहब्बत, कि वो बादशाह से मोहब्बत करता है,
लेकिन मुझे उसको खुद फील नहीं करना, मुझे सिर्फ प्रिंसेस फिलिपिया को ये फील करवाना है कि बादशाह उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो बादशाह के रूप में तो बहरूपी आया हुआ था ना वो, और कल को उसने वापस जाना था। ठीक है, गोविंदा की फिल्म है, उसमें दिखाते हैं वो एक गोविंदा जुड़वा होते हैं और एक गोविंदा की जगह दूसरा गोविंदा आके ले लेता है, इसी टाइप वाला कोई सीन इसमें दिखाया। अब वो जो दरअसल में वो जो प्रिंसेस फिलिया वो तो दूसरी असली बादशाह की बेगम बनती है ना जाकर, सिर्फ इसको क्या चाहिए होता है, इसको ये करना होता है कि वो वक्ती तौर पर मोहब्बत दिखाया कि जैसे असली बादशाह से मोहब्बत कर रहा है, ताकि उसको शक ना हो कि ये दो नंबर आदमी है, कोई और बंदा है वगैरह वगैरह। सही है, टू डिस्चार्ज द किंग इज मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, किंगली बिहेवियर। अब एक बादशाह बन के रहना, यू नो इट्स नॉट इजी टास्क, जस्ट कीप द स्क्रीन शॉट विद यू, साथ साथ रहते रहिएगा स्क्रीन शॉट। और ये बताइएगा आप लोगों की तरफ कहीं पानी जमा है बारिश का या निकल गया? वैसे तो हमारे तरफ तो एक दिन भी जमा नहीं होता अलहमदुलिल्लाह, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा अभी तक पानी जमा है, और अभी 15 दिन तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है। अच्छा जी, किंगली बिहेवियर, टू डिस्चार्ज द किंग इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, अपने आप को बादशाह हर वक्त जाहिर करना इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये आसान नहीं था। ठीक है ना, ब्लैक माइकल कुड किल द किंग एनी टाइम, क्योंकि ब्लैक माइकल तो जानता था ना कि कोई दो नंबर है, कोई बेरुपिया है, तो ब्लैक माइकल तो किसी भी वक्त आकर छुरी चला सकता है, कत्ल कर सकता है, हमला कर सकता है। सही, इम्प्रिजन फॉर लॉन्ग टाइम द किंग कुड डाई ऑफ बैड हेल्थ इन सेल इवन, और जाहिर है कि एक बंदा जब मुसलसल किसी जेल में रहेगा, अगर ना उसको खाने को दोगे ना पानी पीने को दोगे, ठीक है ना, वो बीमार हो जाएगा, भूखा मर जाएगा। फॉर विच इमीजिएट एंड सिग्रेटेड अटैक इज रिक्वायर्ड, इसलिए जल्द से जल्द उस बादशाह को रिकवर करना था, ताकि जो है ना ये उसको उसकी जान बचाई जा सके। नॉर कुड मार्शल स्ट्रेंथनेस द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस अबाउट द इम्पर्सोनेटिंग ऑफ कैप्टिव किंग्स फॉर अ मासिव मिलिट्री असॉल्ट। अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उसे भी हम अपने जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर हम उसको भी बताते हैं तो ये भी एक खतरनाक बात हो सकती थी, क्योंकि जाहिर है वो आर्मी में बगावत हो सकती थी, और अगर आर्मी में बगावत हो जाए तो सारा का सारा जो मसला है वो खटाई में पड़ जाना, इस तरह के प्रॉब्लम्स इश्यूज हो सकते थे। ठीक है, ये हेडिंग जो है ना, ये लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 किंग्स मर्डर तक, यहां तक आएगा किंग्स मर्डर तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा चलें, बस यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया और ये मुझे लिख कर दिखाइएगा, और इंशाल्लाह बस ये ख़त्म होगा, वैसे इंशाल्लाह अगली क्लास में ख़त्म होगा। ठीक है,